दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज विश्व पर्यटन दिवस, विभिन्न कार्यक्रम करके विश्व भर मनावल जा रहल। नेपाल में गल्फ पर्यटन प्रतियोगिता आयोजना हो रहल। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति के बैठक बैठ रहल। उपसभापति विमलेन्द्र निधि के समचकत्व के समाजन समिति के बैठक भी आज हुए। देश में युवा उद्यमी सब बढ़ते गैल में उद्योग मंत्री यादव द्वारा खुशी व्यक्त। स्वदेशी उत्पादन के बढ़ावा देवेला सरकार से जरूरी वातावरण बनावे के प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगावे वाला उजुरी ऊपर औपचारिक छानबीन शुरू। टेलीफोन वार्ता के पूर्ण पाठ सार्वजनिक करेला मांग। आज से नेपाल क्रिकेट संघ के साधारण सभा शुरू। नया नेतृत्व चुनला संघ ही आईसीसी निलंबन मुक्त होके के विश्वास। आप पूरा समाचार। 40वां पर्यटन दिवस आज देश भर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहल बा। सन 1970 सितंबर 27 तारीख के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व पर्यटन संगठन के स्थापना भल रहे। उहे दिन के संस्मरण में सन 1980 से हर साल सितंबर 27 तारीख के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनावे के शुरू भल ह। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस साल टूरिज्म एंड जॉब अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल कहे वाला नारा तय भइल बा। भ्रमण बरिस 2020 के अंतिम तैयारी के क्रम में रहल नेपाल खातिर ई बरिस के विश्व पर्यटन दिवस के महत्व और सांदर्भिक रहल बतावल गेल बा। पर्यटन दिवस के ही अवसर में नेपाल गल्फ संघ विश्व पर्यटन गल्फ प्रतियोगिता भी आयोजना कर रहल बा। गल्फ पर्यटन के प्रोत्साहन करत भ्रमण बरस 2020 के भी ऐसे सहयोग पहुँचे के विश्वास संघ ले बा। आज 5वां सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस। अबके गंतव्य असुरक्षित गर्भपतन के अंत कहेवाला नारा के साथ नेपाल में भी मनावल जा रहल बा। लेकिन नेपाल में सुरक्षित गर्भपतन के अवस्था गंभीर रहल विश्व स्वास्थ्य संगठन देखौले बा। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य महिला के आधारभूत अधिकार है। लेकिन नेपाल में असुरक्षित गर्भपतन की अवस्था भयानक बाटे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक नेपाल में हर साल 3,23,000 महिला गर्भपतन कराबेली सन। ओ मध्ये 58% से असुरक्षित गर्भपतन हो रहल बा, जे मध्ये 8% महिला के मृत्यु होखेला। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार सुरक्षित करे खातिर नया ऐन प्रमाणीकरण कैला पर भी कार्यान्वयन नइखे हो सकल। ऐन में 4 गो अवस्था में 28 सप्ताह तक के गर्भपतन करे मिले के व्यवस्था विवाद के विषय बन रहल बा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गर्भपतन के अधिकतम अवधि 22 सप्ताह तय कल गेल बा। इहे आर्थिक बरस भीतरे ऐन कार्यान्वयन खातिर नियमावली लियावे के तैयारी में सरकार बाटे, जेमे परिमार्जन जरूरी न भइल सरकार के दावी बाटे। पुरानो कार्यविधि पनि हामी सँग छैनै छ, हैन, र हामी पहिले पनि त्यो काम गरेकै छौं। यसमा अहिलेको एन अनुसार अलिकता संशोधन गरेर जानुपर्ने हो, हैन, त्यसैले चाहिँ अब कार्यविधि भन्छ छिटै नै आउने हो। अपना सबसे कोनो छलफल ही ना करके लियाबल गेल कहत गर्भपतन के प्रावधान प्रति डॉक्टर लोग भी आपत्ति जनाउले बाडन सन। 27 हप्तामा त बच्चा जिउँदो निस्किन्छ, रुन थाल्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ उपचार दिने कि नदिने, अनि त्यसलाई के घाँटी थिचेर मार्न मिल्छ जिउँदो बच्चालाई? त्यसको जिम्मा कसले लिने? त्यसको जिम्मा लिएको खण्डमा कसले लिने हो? हामी त लिँदैनौँ मेडिकल प्रोफेसनलहरू त, हामी त बचाउनको लागि दिनरात काम गरिरहेछौँ। पडोसी देश भारतमा गर्भपतनको अधिकतम अवधि 18 हप्ता रहला पर नेपालमै 28 हप्ता राखल कारण से सरकार वाला सबके भी आपत्ति भइल बा। महिला अधिकार के नाम में लैंगिक विभेद आ महिला के स्वास्थ्य में जोखिम न्योते के कानून से सुरक्षित गर्भपतन अंत के सरकारी लक्ष्य प्राप्ति में आशंका देखल गेल बा। अस्मिता रिजाल के रिपोर्ट। आज से नेपाली कांग्रेस के केन्द्रीय कार्य समिति बैठक शुरू हो रहल बा। अभी कुछ दिन में बैठक में दोसरका चरण के जागरण अभियान के बारे में समीक्षा करे के साथ ही विजय कुमार कछदार के तत्कालीन लोकतांत्रिक फोरम संघ के पार्टी समायोजन बाद के जिम्मेवारी बांट फाट के विषय में भी निर्णय करे के
बतावल गेल बा। केन्द्रीय समिति बैठक पहिले आजुए पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि के समझकत्व में गठित समायोजन समिति के बैठक भी बैठल रहे। बैठक से आयल सुझाव आ तैयार प्रतिवेदन के आधार में केन्द्रीय समिति से थप सदस्य मनोनीत हो सके के कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह के सी जानकारी देने। तत्कालीन लोकतांत्रिक फोरम के अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार के इससे पहले ही पार्टी सभापति शेर बहादुर देवबा उपसभापति में मनोनीत कर चुकल बानी। प्रदेश दू के पर्यटन मंत्री रामनरेश राय यादव बारा में दोसर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बने के बाद सुखद भइल बतौले पानी। सिमरा विमानस्थल में आज संचार कर्मी सब संगे बात करत मंत्री यादव बाहर चर्चा में आयल जैसन अपने विमानस्थल के विरोधी ना भइल स्पष्ट कैनी हा। विमानस्थल बनावे के नाम में गाछी के व्यापार ना होखे के चाही कहे वाला आपन कहनाम के तोड़ मरोड़ करके संचार माध्यम में लियाबल प्रति मंत्री यादव दुख व्यक्त कैनी हा। राष्ट्रीय वन क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकार के माथत में अइला पर भी संघीय सरकार से समन्वय ना कैल दुखद पक्ष रहल कहत मंत्री यादव संघीय सरकार के विरोध ना कैल लेकिन प्रदेश सरकार संगे समन्वय करेला आग्रह कैल बतौनी हा। 40वां विश्व पर्यटन दिवस के अवसर में पहिलका विमान से आबे वाला यात्री के स्वागत करेला मंत्री यादव सिमरा विमानस्थल पहुंचल रहनी। उद्योग मंत्री माथिका प्रसाद यादव देश में युवा उद्यमी सब बढ़ते गेल में खुशी व्यक्त कैले बानी। मंत्री यादव युवा उद्यमी मार्फत स्वदेशी उत्पादन के बढ़ावा दिवेला सरकार से जरूरी वातावरण बना देवे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैनी हा। उहां के सरकार से स्वदेशी उत्पादन आ ओकर बाजारीकरण खातिर अंतर्राष्ट्रीय मेला सब में नेपाली सामान सब के सहभागिता बढ़ावेला भरसक पहल करे के सरकार के नीति रहल भी स्मरण करौनी। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री यादव देश में उद्योग विकास के शुभ संकेत सब देखल उल्लेख करत ओकर विकास खातिर जरूरी सभी किस्म के सहजीकरण करके आगे बढ़ेला सरकार तैयार रहल बतौनी हा। मंत्री यादव देश में हो रहल औद्योगिक मेला सब से भी उद्यम विकास में महत्वपूर्ण योगदान पहुंचा रहल स्पष्ट कैनी हा। पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ़ावे खातिर सार्वजनिक खरीद ऐन आ ठेक्का प्रणाली के सरलीकरण करे पड़े के बतौले बानी। रूपंदेही के तिलोत्तमा नगर पालिका द्वारा आयोजना कैल गेल लगानी सम्मेलन में दाहाल स्वदेशी लगानी के प्रोत्साहन करेला सुरक्षित वातावरण निर्माण में जोर देवे पड़े के भी बतौनी हा। रूपंदेही के तिलोत्तमा नगर पालिका द्वारा आयोजना कैल गेल लगानी सम्मेलन में नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वदेशी लगानी कर्ता सबसे भी नेपाल में लगानी के वातावरण नीमन बा कहे वाला संदेश विदेश तक प्रवाह करे पड़े के बतौले बानी। दूसरे बरिस के तानाशाही व्यवस्था परिवर्तन करके लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना कैला पर भी व्यवहार में परिवर्तन करे ना सकला पर परिवर्तन के कोनो अर्थ ना रहे के कहत दहाल व्यवस्था संघी सोच शैली आ संस्कार भी बदले के जरूरी भइल तर्क देहनी। लगानी मैत्री वातावरण बनाउने कसरी भन्ने बारे में छलफल भएको थियो र नीति कार्यक्रम में त्यसलाई उल्लेख गर्नै पर्छ र अनि ऐन संशोधन को प्रक्रिया मार्फत नया कानून बनाउने प्रक्रिया मार्फत त्यसलाई सरलीकरण गर्नै पर्छ। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा नेपाल में लगानी के वातावरण ना भइल कहत प्रचार कैल बात गलत भइल बतौले बानी। बहुते कानून परिमार्जन करके भइला पर भी नीतिगत सुधार सब हो रहल खतिवड़ा के कहनाम रहे। विगत दुई वर्ष में हामी कसैले श्रमिक हड़ताल भएको सुनेका छौं र विगत दुई वर्ष में श्रम सम्बन्ध बिग्रेर औद्योगिक परिस्थिति बिग्रेको हामीले सुनेका छौं र त्यो पनि छैन। अनि हामीलाई के भनियो ल बैंकको ब्याज दर एकदम चर्को हो लगानीकर्ताको लागि पूँजी भएन। ओहिलेखा मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल लगानी के आधार सब तैयार भइल कहत प्रदेश पांच में निश्चिंत होके लगानी करे खातिर सब केहू के आह्वान कैनी हा। प्रदेश पांच में तीव्र गति में पूर्वाधार के विकास हो रहल बतावत पोखरेल कहनी लगानी कर्ता सब के उत्साह थपे के विश्वास बा। हामीले गरेको लगानी को बजारीकरण का लागि सुनिश्चित आधार को कुरा हो पूर्वाधार को कुरा हो। म तपाईहरुसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि देशभित्रको बजारका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि यो क्षेत्रसँग जोडिएर देशका सबै भागहरूलाई सकेसम्म सुगम ढङ्गले जोड्ने हिसाबले पूर्वाधार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र हामी अनुकूल अवस्थामा छौँ।
लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने खातिर संघीय सरकारकै अर्थमन्त्री राजनीतिक दलकै नेता सब विभिन्न प्रदेशकै मुख्यमन्त्री विभागीय मन्त्री उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी सब राष्ट्र बैंककै गभर्नर लगानी बोर्डकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डीएफआईडीकै प्रतिनिधि चिनिया प्रतिनिधि लगायत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता सबकै सहभागिता रहे। रूपन्देही से विकास पराजुलीकै रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुर तीज त्यौहार लगजाइल संघी सुरक्षा व्यवस्था के प्रभावकारी बनावे लागल बा। प्रहरी भोजपुर के तीन जगह में यात्रु सहायता कक्ष संचालन में लियौले बा। भोजपुर में यातायात के सहज पहुंच संघी विभिन्न किस्म के आपराधिक क्रियाकलाप नियंत्रण करे के लक्ष्य के साथ प्रहरी सब यात्रु सहायता कक्ष अभियान शुरू कैले बा। तीज त्यौहार के समय में यात्री लोग के भीड़ बेसी भैला से संभावित आपराधिक क्रियाकलाप के ध्यान में राखत प्रहरी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़ा बनावल गई बा। चाड़बाड़ नजिकै गर्दाखेरि यात्रुहरुको चाप पनि बढ्ने र कतिपय के यो यातायात व्यवसायीहरूले अथवा चाहिँ चालक दलका सदस्यहरूले चाहिँ तोकिएको सरकारले तोकिएको भाडा दरभन्दा चाहिँ महँगो दिने र निर्धारित उहाँहरू जुन ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो निर्धारित यो गन्तव्यसम्म चाहिँ नपुर्याउने र यस्ता खालका जनगुनासोहरू चाहिँ यताकता चाहिँ विगतका दिनहरूमा पनि सुनिने गरेका थिए र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो यात्रु सहायता कक्ष निर्माण गर्यौँ। यात्री संघी सर्वसाधारण के सुरक्षा के भी ध्यान में राखत प्रहरी से स्थापना कल गेल यात्रु सहायता कक्ष के स्थानीय लोक से भी प्रशंसा कल गेल बा। साथ ही सवारी साधन में क्षमता से बेसी यात्री रखे ना देवे के प्रहरी से भी कड़ाई करे पड़े के स्थानीय बासिंदा लोग के कहना बा। सुरक्षित ढंग गंतव्यसम पुग्न को निम्ति सहायता कक्ष अर्थात सरकार ने निर्धारण मूल्य तीर सुरक्षित ढंग ने आपको घरसम पुग्न को निम्ति इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका खेल यात्रु सहायता कक्ष भाड़ा दर में अलिकति अब सहयोग अब भाड़ा कसले चाड़बाड़ को अवसर पारे यातायात व्यवसाय संघहरूले चाहिँ चाडबाडको अवसर पारेर धेरै भाडा दरहरू लिने अनि यात्रुहरूलाई ठग्ने जस्ता प्रक्रियाहरूबाट चाहिँ न्यूनीकरण हुन्छ। यात्रा करत समय विभिन्न किसिम के असुविधा हो के लुटपाट दोहरा टिकट सामान भुलावे के अभद्र व्यवहार हो सके वाला भैला से सहायता कक्ष में समस्या समाधान खातिर एक नंबर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुर आ अस्थायी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के विभिन्न टेलीफोन नंबर के भी व्यवस्था कल गेल बा। भोजपुर से कविता खड़का के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आज से बाजार में नया नोट बदलल जा रहल बा। नेपाल राष्ट्र बैंक दशहरा में छोट दर के नया नोट के मांग बेसी होखे के विगत के अनुभव के आधार में विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सठी के सुविधा देले बा। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा व्यवस्थापन विभाग बालुवाटार विराटनगर जनकपुर बीरगंज पोखरा सिद्धार्थनगर नेपालगंज आ धनगढ़ी कार्यालय से नया नोट उपलब्ध करावे के जनावल गेल बा। वही लेखा राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक नेपाल बैंक आ कृषि विकास बैंक के काठमांडू उपत्यका में रहल विभिन्न शाखा से भी नया नोट बदले के मिली। बैंक से 5, 10, 20, 50 आ 100 के नोट प्रति व्यक्ति 18,500 रुपया के दर से बदले जा सके के भी जनावल गेल बा। नया नोट बदले खातिर नेपाल बैंक के नया सड़क कीर्तिपुर महाराजगंज जोरपाटी पाटन औद्योगिक क्षेत्र लाजिमपाट आ भक्तपुर शाखा में व्यवस्था मिलावल गेल बा। वही लेखा राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक के सिंह दरबार शाखा टिकू नया बानेश्वर सानू ठिमी विशाल बाजार नक्साल बालाजू लुभू आ टोखा शाखा से भी सठी के व्यवस्था मिलावल गेल बा। कुछ दिन से घटती जा रहल सोना के भाव आज वो निरंतर ताले ले बा। आज बाजार में सोना के दाम तोला में 200 रुपया से घट गेल बा। बाजार में छापावाल सोना प्रति तोला 70,800 रुपया में किनबेच हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देले बा। तेजाबी सोना प्रति तोला 70,500 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के भाव भी तोला में 5 रुपया से घट के प्रति तोला 860 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंत्य में प्रमुख समाचार फेरु एक बेर।
आज विश्व पर्यटन दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके विश्वभर मनावल जा रहल नेपाल में गल्फ पर्यटन प्रतियोगिता आयोजना हो रहल। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति के बैठक बैठ रहल उपसभापति बिमलेन्द्र निधि के समचकत्व के समायोजन समिति के बैठक भी आज हुए। देश में युवा उद्यमी सब बढ़ते गई में उद्योग मंत्री यादव द्वारा खुशी व्यक्त स्वदेशी उत्पादन के बढ़ावा देवेला सरकार से जरूरी वातावरण बनावे के प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगावे वाला उजुरी ऊपर औपचारिक छानबीन शुरू टेलीफोन वार्ता के पूर्ण पाठ सार्वजनिक करेला मांग। आज से नेपाल क्रिकेट संघ के साधारण सभा शुरू नया नेतृत्व चुनला संघे आईसीसी निलंबन मुक्त हो के विश्वास। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।